ये सी लैंग्वेज का प्रोग्राम देखिए, इसमें मैंने क्या किया है कि जो वावेल हैं उनको ये प्रोग्राम आपको एक्सट्रैक्ट करके दे देगा, यानी कि जो भी वावेल है, अब जैसे देखिए ना यहाँ पे सूरज सर लिखा हुआ है ना, तो इसमें जो भी वावेल है, अब कितना वावेल है, वावेल जाते ही है, ए आई ओ यू को बोला जाता है, तो देखिए इसमें वो यू वावेल है, वो ए है, वो आई है, तीन को वावेल है, तो ये गिन करके बताएगा कितना वावेल है, ठीक है। तो यहाँ से बिल्ट पे चलते हैं, इसको कंपाइल करवा लेते हैं, तो कंपाइल करवाएंगे तो देखिए कंपाइल हो गया है, सही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आएंगे तो रन पे क्लिक करेंगे, तो रन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो गिन के बता रहा है कि तीन ठो वावेल है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, देखिए यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, क्या नाम है जी तुम्हारा, लोकेश, तो यहाँ पर लिख दे रहा है लोकेश, लोकेश, ठीक है। अब लोकेश में देखिए ना, एक के वो दो गो वावेल है, एक तो ये ई है और एक तो ये ओ है, तो अगर मैं अब इसको रन करवाता हूँ तो यहाँ से पहले इसको क्लोज कर देना पड़ेगा, इसको ये क्लोज कर दिया जो आउटपुट आया था। अब यहाँ पर जाकर के किसको कंपाइल करवाते हैं, तो कंपाइल तो हो ही जाएगा, अब फिर यहाँ से रन करवा लेते हैं, तो रन जैसे ही करवाएंगे आप तो इसमें गिन के बता रहे हैं कि दो ठुआवेल है, तो देखिए ना लोकेश में दो ठुआवेल है, एक ओ है और एक ई है, तो इसी तरीके से ये वावेल काउंट करके देगा। कोई और नाम लिखिए, जैसे देवरिया लिखते हैं हम, देवरिया के रहने वाले हैं, तो ये देवरिया लिखते हैं, तो डी ई ओ आर आई ए देवरिया लिखा, तो इसमें देखिए देवरिया में वो डी है तो डी वावेल नहीं है, ई ई वावेल है एक, और ओ वावेल है दो, और ये आई वावेल है, और ये तीन हो गया, और ये चार हो गया, तो चार तो वावेल है। अब यहाँ से इसको कंपाइल करवा देते हैं, तो कंपाइल हो गया, हो गया, अब यहाँ से रन करवा देते हैं, तो कितना बता रहा है, चार वावेल बता रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से आप ये प्रोग्राम बना सकते हैं।